Good morning, everyone. Welcome to this beautiful session on health. आप में से कितने लोगों को अपनी हेल्थ प्यारी है? Raise your hand. जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं भी की हुई है, I can see you. और अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करें. मेरे ख्याल से कोई भी शख्स आज की डेट में धरती पे ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट ना हो. Am I right or wrong? और हेल्थ के अंदर अगर आप एक चीज देखें तो एक बहुत छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ. कुंभकर्ण की कहानी आपने सुनी होगी. कुंभकर्ण कितने महीने सोता था और कितने दिन जागता था? एनीबडी कैन यू टेल मी? टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में. कुंभकर्ण कितना सोता था और कितना जागता था? किसी को याद है स्टोरी उसकी? 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था. और आपको याद है कुंभकर्ण ने जो तपस्या की थी तो उसने तपस्या किस चीज के लिए की थी? वो निद्रा पे विजय प्राप्त करना चाहता था. वो शिव जी से चाहता था कि मैं 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं. बट उसके पीछे लंबी कहानी है. मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी पूरी स्टोरी मैंने डाली, आप जरूर देखिएगा उसको. तो नींद को कम करने के लिए उसने तपस्या की. सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ की है. नींद अगर हमें नहीं आए तो इंसान पूरा दिन ढीला 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 रहता है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस? और मैं तो बहुत ज्यादा नींद पे रिसर्च करता हूँ. मैंने देखा है कि बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, अगर उसका कोटा, सपोज आपकी बॉडी को 6 से 8 घंटे में से 7 घंटे की नींद चाहिए, अगर आप आधा घंटा भी कम सोते हो ना, यू फील कि वो दिन में आपको झपके लगाने के लिए पुश करेगी, भैया मेरा कोटा पूरा करो. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? तो नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, नींद से क्या बेनिफिट है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. Because most of you know, we are going to start a beautiful health mastery education program. तो उसी के curtain raisers में last time हमने बहुत अच्छे cortisol के ऊपर एक topic cover किया था. आज हम नींद के ऊपर कर रहे हैं. और अगर आप health ये आपके लिए important है तो just wait till end. हम आपको कुछ और details देंगे कि कैसे आप एक health mastery education program join करके बहुत सारे body के aspects के बारे में समझ के 360 degree system अपने लिए create खुद कर सकते हैं. Because we are all intellectual people, हम सब अपनी हेल्थ की देखभाल कर रहे हैं जितनी हमें नॉलेज है और एजुकेशन है. Am I right or wrong? जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी, don't you think you will be in a better position to take care of your health? तो 26 जनवरी को हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. तो क्या है प्रोग्राम, कैसे आपको हेल्प कर सकता है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, वो सब हम ड्यूरिंग द सेशन आराम से डिस्कस करेंगे. सो रिलैक्स होकर अगर आपने टाइम निकाला तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो ऑन करके अटेंड करें और गैलरी व्यू पे आकर अटेंड करें, सो दैट यू कैन सी अदर्स आल्सो. इट्स लाइक अटेंडिंग लाइव सेशन. ऑडिटोरियम के अंदर हम बैठते हैं ना तो लोगों को देखते हैं तो मजा आता है ना. उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसके बाल कैसे हैं, ये देखते हैं शुरू में जाके ऑडिटोरियम में. यू फील यू आर नॉट अलोन. तो अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल को लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो आपको काफ़ी सारे गैलरी व्यू में लोग नजर आ जाएंगे. और अगर आप सिर्फ स्पीकर को देखना चाहते हैं तो स्पीकर के लिए स्पीकर व्यू पे जा सकते हैं. तो किससे जाने हम हेल्थ के बारे में? जो शख्स आज हमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं डिटेल सेशन की, आई नो हिम फ्रॉम मोर देन आई बिलीव 20-22 साल से ऊपर हो गए होंगे हमें उनको जाऊंगे. वी आर लाइक फैमिली फ्रेंड्स, लाइक ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर. और ये वो शख्स थे जो आज से कुछ साल पहले, काफी साल पहले, ही इज लाइक आर फैमिली डॉक्टर. अगर हमें कोई बीमारी होती थी तो हम उनसे पूछते थे कौन सी दवाई लें, बिकॉज ही इज अ फार्मासिस्ट बाय क्वालिफिकेशन. ही वॉज रनिंग हिज ओन फार्मेसी बिजनेस फॉर मोर देन 30+ years. तो उनको तो टिप्स पे नाम है आते दवाइयों के, किस चीज़ के लिए क्या सॉल्ट है, क्या रही चीज़ें. और कभी हम ट्रैवल करने जाते थे वो हमारे साथ होते थे तो हमें दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन आज वही शख्स हैं जो हमें कहते हैं दवाइयाँ नहीं खानी है. And one of the major credit goes to him कि आज I could get rid of my BP medicine which I was taking from 20 long years. तो ये जो community हमने create किया, इसमें जो education मिली है, मैं 20 साल पुरानी BP की दवाई अपनी बंद कर चुका हूँ. Constipation का issue रहता था, allergy का issue रहता था, बहुत सारे health challenges थे. लेकिन today no medication at all. कैसे? Education. So I have great respect for this person because सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो मुझे लगती है कि इतना भारी कंटेंट जो है वो इतने सिंपल शब्द में इतने डे टू डे एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं कि एकदम से घर कर जाता है हमारे माइंड में, जो ईजी होता है हमें फॉलो करना. हाउ मेनी वुड लाइक टू लर्न अबाउट हेल्थ इन डे टू डे लैंग्वेज, ईजी हो जाए.
कुछ टेक्निकल, मतलब ये नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट आई है कि वर्ड ही समझ नहीं आ रहा बीमारी है क्या, वो समझने के लिए गूगल सर्च करना पड़ता है कई बार आप लोगों को। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका एम ही है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए कि कैसे आप अपनी हेल्थ की देखभाल कर सकते हैं। तो विल नॉट इन्वेस्ट मच टाइम एंड वी विल लाइक टू इन्वाइट द पर्सन जिनसे आज हम सब सीखेंगे इंक्लूडिंग मी, एंड वी विल, अगर आप कागज पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि आप नोट्स बना सकें। और ड्यूरिंग द सेशन मैं आपको कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल भी शेयर करूंगा कि कैसे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नींद पे ऊपर विजय प्राप्त की है, यानी कि जब चाहे वो सो सकते हैं और कितने घंटे की हेल्दी नींद एंजॉय कर रहे हैं। सो प्लीज हेल्प मी इन्वाइटिंग टूडेज प्रेजेंटर मिस्टर रवि नागपाल। वेलकम रवि जी। गुड मॉर्निंग सुनील जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई बिलीव एवरीबॉडी इज फुली चार्ज्ड अप। आपको सुनने के लिए लोग कितने बेताब रहते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग कहते हैं रवि जी का सेशन कब होगा, रवि जी का सेशन कब होगा, बिकॉज आई नो यू आर वेरी बिजी और हमने कैसे आपसे टाइम खींचा आई नो पर्सनली। तो आज आप क्या ज्ञान देने जा रहे हैं सर हमें? आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया और बैकग्राउंड सेट कर दी, तो सबको पता है कि बैकग्राउंड अच्छी और प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो फिर उसके बाद जो कंटेंट्स निकलेंगे वो आई बिलीव बहुत अच्छे ही निकलेंगे। और ये कंटेंट्स जैसे आपने बता ही दिया एक भूमिका में कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है, मैं तो कहता हूँ ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, भगवान ने ये ऐसा वरदान हमें दिया है कि कभी आप सोचो कि ये नहीं होती तो शायद हमारी जिंदगी इतनी चल ही नहीं सकती थी जितनी अब चलती है। और ये मतलब विडंबना देखिए इंसान की कि जो चीज भगवान ने हमें दी है एक वरदान के रूप में, हम शायद उसकी कभी कदर ही नहीं करते हैं, उसकी क्वालिटी की वैल्यू नहीं करते हैं। और अगर हमारे मोबाइल का चार्जर खो जाए और ना हो तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि ये नींद भी हमारी चार्जिंग की तरह है, ये रोज रात को हमें चार्ज कर देती है, उसके बाद दिन भर हम इसको डिस्चार्ज करते रहते हैं, फिर रात को वो सोते हैं तो वो चार्जिंग पर लग जाता है। जैसे मोबाइल होता है हम चार्ज करके घर से निकलते हैं, जब बैटरी फुल होती है ना तो कितना कॉन्फिडेंस होता है इंसान को, यो मजा आ गया। और जैसे जैसे वो उसके डाउन आते जाते हैं तो वो 20% पे आ जाता है लो बैटरी, तो फिर घबराहट होती है। लेकिन नींद के मामले में घबराहट तो होती है कि नींद नहीं आ रही, लेकिन हम रास्ते कुछ और ढूंढ लेते हैं, हम ये दवाई खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ नशा कर लेते हैं कि जबरदस्ती कोई नींद आ जाए, लेकिन वो नींद की क्वालिटी नहीं होती है, इसको इंड्यूस्ड स्लीप बोलते हैं। तो वो इंड्यूस्ड स्लीप की वो क्वालिटी नहीं हो सकती जो नेचुरल स्लीप की है। तो आज हम बात कर स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ, बट आई एम हेयर ओनली, हो सकता है मैं बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा बाय क्लैरिफाइंग सर्टेन क्वेश्चन जो हमारे माइंड में या लोगों के माइंड में आ सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन आ रहा है वो चैट बॉक्स पे टाइप करिए, मैं आपके यहाँ पे वो क्वेश्चन रवि जी से पूछ सकता हूँ। स्विचिंग माई सेल्फ फ्रॉम स्पॉटलाइट एंड कीपिंग यू ऑन स्पॉटलाइट। यस सर, ओवर टू यू। तो नींद के बारे में आज हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो शायद हमें थोड़ी बहुत पता हो या नहीं पता हो, क्योंकि कुछ कुछ तो हम सबको पता है, नींद की इम्पोर्टेंस अभी हमने डिस्कस की तो मोस्टली ये सबको पता है। और इसके बारे में हम क्या आज समझ सकते हैं या सीख सकते हैं आज उसकी बात करेंगे। देखिए नींद कहाँ से शुरू होती है वो बताएंगे, कौन सा ग्लैंड है जिसकी वजह से ये नींद हमारी जिंदगी में आती है, और कौन सा ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो उस ग्लैंड से रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि अगर ये स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी वजह से, वजहें बहुत सारी होती है, तो ये जो न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है ये खराब होना शुरू हो जाता है। और जब ये न्यूरो, और दूसरी तरह से देखें तो जब ये न्यूरोकेमिकल की क्वालिटी खराब होती है या ये कम हो जाता है या नहीं होता है तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या हुआ, ये डबल एज स्वॉर्ड हो गई कि नींद नहीं आ रही किसी वजह से तो ये न्यूरोकेमिकल कम हो जाएगा, और न्यूरोकेमिकल कम हुआ तो नींद खराब हो जाएगी। अब हम सब जानते हैं इस न्यूरोकेमिकल को स्लीप हार्मोन के नाम से, लेकिन इसके सिर्फ नींद का ही फंक्शन नहीं है इसका, ये और बहुत सारे काम करता है। न्यूरोकेमिकल अगर हमारा ये खराब हो या कम हो तो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं जो शायद हमने कभी सोचे भी नहीं है। ब्लड प्रेशर है, अल्जाइमर है, डेमेंशिया है, और इस तरह की हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं। ये अगर हमारा न्यूरोकेमिकल कम हो तो ये सब इश्यूज भी उसमें आ जाते हैं, और हम उनका इलाज दवाइयों से करते रहते हैं कि ये दवाई खा लो और वो खा लो, लेकिन जो रूट कॉज है वो हमारे न्यूरोकेमिकल की डिस्टर्बेंस भी हो सकता है और हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है क्योंकि हमें शायद उसकी एजुकेशन नहीं है। तो पर्पस इस प्लेटफॉर्म का है कि आपको वो एजुकेशन देना जिससे आप भी इस चीज को समझ सकें कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो हम इसको ठीक करें। और फिर हेल्थ इश्यूज जब आते हैं तो देखिए ये भी दोधारी तलवार हो गई कि न्यूरोकेमिकल अगर ये ठीक नहीं है तो हेल्थ इश्यूज आएंगे,
हेल्थ इश्यूज किसी और वजह से आए हुए हैं तो इस न्यूरोकेमिकल पर भी असर आएगा, तो फिर ये दुधारी तलवार एक और हो गई, और एक तीसरी तलवार भी है। अगर हेल्थ इश्यूज खराब होते हैं तो हमारी नींद खराब हो जाती है, और नींद खराब हो तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो ये सब इंटरकनेक्टेड भी है और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव भी है। हमें ये समझना है कि ये जो ट्राइंगल बन गया इसको हम कैसे बैलेंस करें। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, और हमारी बॉडी में तो बैलेंसिंग से ही सारा काम चल रहा है ना, होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, जितने भी हार्मोन्स हैं एक बैलेंस में रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, तो इसको भी हम कैसे बैलेंस करें इसको थोड़ा हम समझेंगे। मैं आपको बताऊं कि रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये न्यूरोकेमिकल अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे बॉडी साथ हेल्थ इश्यूज आएंगे। ये कुछ साल पहले की रिसर्च बता रहा हूँ, उससे पहले ये न्यूरोकेमिकल सिर्फ हम नींद से रिलेट करते थे। अब कहाँ से ये रिलीज होता है उसके बारे में बात करते हैं। काफी सारे हम में से लोग जानते हैं कि हमारे अंदर चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जो बहुत इंपॉर्टेंट चक्रास होते हैं उनको सर्वाइवल चक्रास बोलते हैं। वो नीचे के 3 चक्रास होते हैं सर्वाइवल चक्रास, और उनके टॉप पे जो होता है वो होता है हमारा, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी में नहीं लेके जाऊंगा, साइंटिफिक टर्म्स में हम बात करेंगे, हालांकि ये कनेक्टेड है, बट ये प्लेटफॉर्म क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बताऊंगा। जो 3rd चक्र है ऑन द टॉप ऑफ द सर्वाइवल चक्रा वो है एड्रिनल ग्लैंड का, सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं उसको, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड की हेल्थ अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो ये इम्पैक्ट करेगा हमारे बाकी चक्रास पे, क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारा पहले वाला कर्टन रेजर देखा हो कॉर्टिसोल का तो वो वहीं से कनेक्टेड था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसकी रिकॉर्डिंग लेके देख सकते हैं, बिकॉज उसको भी देखेंगे फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी आप दोबारा देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर ये न्यूरोकेमिकल हमारा कम हुआ तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे सीधा इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है और हमारे बहुत सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसमें डाइजेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि 2nd चक्र जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड होता है जिसको सेक्रल बोलते हैं, वो हमारा डाइजेस्टिव से क्योंकि कनेक्टेड तो डाइजेशन हमारा खराब होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर कॉर्टिसोल की कहानी आपको पता ही है। और इस तरह से हमारे ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट करता है हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, जिसको अल्जाइमर या डेमेंशिया बोलते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से कनेक्टेड है ये न्यूरोकेमिकल, ब्लड प्रेशर हमारा खराब हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके बाद इसकी कमी हो हम ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। आपने कभी देखा है जब रात को नींद नहीं आती है, देर तक जागते हैं तो क्या सडनली फील करते हैं, भूख लगनी शुरू हो जाती है और हम खाना भी शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग रात को उठ उठ के खाते हैं, क्या ओवर ईटिंग से क्या होगा, ओबेसिटी आ जाएगी। तो कभी कोई सोच पाएगा कि ये इतना सारा मोटापा किस वजह से आया, शायद मेरा न्यूरोकेमिकल डिस्टर्ब है उसकी वजह से आ जाता है। मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने कहा डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, उसके बाद ये क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सब भी काम करते हैं, क्योंकि यहीं से ये सारे चक्रास को आगे मैसेज जाने होते हैं। तो अल्जाइमर्स है, डेमेंशिया है, पार्किंसंस है, नींद नहीं आती तो आप सोचो इन पेशेंट्स को देखो कि अगर ये किसी और वजह से अल्जाइमर या डेमेंशिया हुआ है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद अगर डिस्टर्ब होगी तो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड चीज है, और उसके बाद एक विशेष सर्कल तो बन ही गया कि वो खराब तो ये ठीक नहीं है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आर्टरीज हार्डन हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। कहां से ये बंदा सोच सकता है कि यार इस केमिकल की वजह से जो हम सिर्फ सोचते हैं कि स्लीप हार्मोन है, हमारी आर्टरीज तक हार्डन हो जाती है, उससे क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं जो आप रिलेट भी कर पाएंगे 2-2.5 साल पहले की सिचुएशन से, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है जिससे हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ध्यान है कोरोना के दिनों में लोगों की नींद कितनी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि सारा साइकिल खराब हो गया था, और कितनी उससे क्या हुआ था, इम्यूनिटी लो होने से इन्फेक्शन यानी वो फीवर जो था वायरल फीवर कोरोना जिसे बोलते हैं तो वो होने शुरू हो गए थे। तो आप सोचिए उस समय न्यूरोकेमिकल भी डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, और उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हुई जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हुई और हमें इन्फेक्शन ज्यादा होने लग गया। और रिसर्च ने प्रूव किया कि कई तरह के ट्यूमर्स तक डेवलप हो जाते हैं अगर ये न्यूरोकेमिकल कम हो, ये रिसर्च है। वो जब ट्यूमर्स होने शुरू हो जाएंगे तो सोचिए फिर क्या नहीं हो सकता है। और एक रिसर्च में क्या किया गया कि चूहों को ये न्यूरोकेमिकल दिया गया और सरप्राइजिंगली देखा गया कि उनकी लाइफ में करीब 25% का इजाफा हो गया। अगर ये प्रॉपर हमारी बॉडी में निकलता रहे तो जितनी भी हमारी लाइफ है 25% का इजाफा हो सकता है। हेल्थ तो अच्छी होगी होगी, लाइफ की लॉन्गिविटी भी बढ़ जाती है। तो कितने सारे फंक्शन है इस,
और मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है ना, ये इससे रिलेटेड है बहुत अच्छी तरह से। रीजन भी कि हम इस साइकिल को ठीक कर सकते हैं अगर हम इस न्यूरोकेमिकल को ठीक कर लें। अब बार बार लोग सोच रहे होंगे कि न्यूरोकेमिकल बोला जा रहा था, ये कौन सा है? ये मैं मेरा आपको वही मेरा क्वेश्चन था रे, न्यूरो का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज काफी सारे लेमैन लैंग्वेज के लोग होंगे, जब जैसे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, न्यूरो मीन ब्रेन से रिलीज होता है, राइट? जी, न्यूरोकेमिकल मतलब जो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। अब ये केमिकल को हम न्यूरोकेमिकल्स को हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये एक तरह के मैसेंजर्स होते हैं। जैसे एक हमारा ब्रेन का जो सेल है वो कम से कम 10,000 सेल से कनेक्टेड है। अब ओ वो मैसेज कैसे जाएगा, वो इन केमिकल्स के थ्रू यानी हार्मोन के थ्रू जाएगा, जिनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं क्योंकि उनके फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। तो इसलिए इसको न्यूरोकेमिकल बोलते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड जो केमिकल रिलीज हुआ बॉडी में उसको न्यूरोकेमिकल बोलते हैं। इसका और अगर कुछ जैसे हमारा इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करता तो वो न्यूरो है, वो भी केमिकल, लेकिन वो न्यूरो नहीं है, एम राइट? जी, ओके ठीक है। यहाँ से जितना भी रिलीज होगा, जितने भी रिलीज होगा, जो जो बहुत सारे हमारे हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोज के नाम से आप याद कर सकते हैं। डोज के नाम से जैसे डोपामीन, हमने एक सेशन किया था डोपामीन के ऊपर, जी ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, और इसी तरह से ये मेलाटोनिन भी है। और मेलाटोनिन के साथ एक अपोजिट इसका हार्मोन होता है जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, उसको सेरोटोनिन बोलते हैं। इसको जी याद रखिएगा, तो ये डोज से याद रखिएगा, और उसके बाद मेलाटोनिन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। एक बार एब्रीवेशन दोबारा बता दीजिए। जी डोज डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, हाँ जी सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। अच्छा डोज, ओके अच्छा, जो डोज दवाई की डोज डोज हम लेते हैं, डोज दवाई समझ लीजिए, बॉडी आपको अच्छा डोज दे रही है, ये सब हैप्पी केमिकल्स हैं। और अच्छा मेलाटोनिन जो है, डोज शब्द भी इसी से बना होगा, इसका मतलब अब हो सकता है इसके बारे में अभी स्टडी रिसर्च करनी पड़ेगी, हो सकता है ओके इसकी ओके वजह से बना हो। मेलाटोनिन को भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, रादर इसको सेंटर में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपर हो गया तो बाकी चीजें भी निकलेंगी। बिकॉज देखिए, जिस ग्लैंड ने हमारा ये न्यूरोकेमिकल निकालना है यानी मेलाटोनिन, उसी ग्लैंड से सेरोटोनिन भी निकलना है जो हैप्पी केमिकल है। हाँ लेकिन अगर एक रिलीज हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, आप ये सोचिए। तो अगर मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है तो आप सो रहे हैं आराम से, नींद में आ रहे हैं, तो नींद में तो आदमी खुश क्या और उदास क्या, लेकिन जब हैप्पी केमिकल है तो आप कितने खुश और एक्साइटेड होते हैं। तो इसलिए अगर इसकी मेलेटोनिन की क्वालिटी खराब हो गई या क्वांटिटी कम होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंगली सेरोटोनिन भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलना हो। जैसे पेंडुलम होता है ना, जितनी डायरेक्शन में इधर गया इतनी डायरेक्शन में इधर जाएगा, जितना अच्छा मेलाटोनिन निकलेगा उतना अच्छा सेरोटोनिन भी निकलेगा। तो हाँ आपकी खुशियां भी इस पे डिपेंड करती हैं कि आपका मेलाटोनिन कितना रिलीज हो रहा है। आप खुद सोचिए, जब आप सो के उठते हैं, अच्छी नींद लेके उठते हैं, हाउ हैप्पी यू फील। मतलब आप देखिए, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कभी छोटे बच्चों को देखो, जब उनकी नींद पूरी हो जाती है, कितनी प्यारी स्माइल आती है उनकी, इतने अच्छा लगता है उनको, मतलब मजे से वो उठते हैं और उठते ही खेलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अब वो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, क्योंकि उनकी मेलाटोनिन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नींद सोए तो उनकी सेरोटोनिन की क्वालिटी भी अच्छी रही। और अगर वो अच्छी नींद नहीं सोए तो कितने चिड़चिड़े और रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ना खाते हैं पीते हैं, तबीयत भी खराब होती है। तो वहीं से आप रिलेट कर सकते हैं अपने साथ भी। बट हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ और भी बड़े सारे इश्यूज होते हैं, तो हमारा फोकस उन पे जाता है और इस चीज पे हमारा ध्यान हट जाता है। लेकिन अब इस साइकिल को हमने ठीक करना है, कैसे करेंगे? एजुकेशन लेके। जैसे ही एजुकेशन आपको मिल रही है, और सुनील जी ने भी आपको बताया कि हम हेल्थ मास्टरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑर्गन से रिलेटेड आपको कितनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन उस हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में मिलेगी, तो आप हर ऑर्गन के बारे में एक अच्छी तरह से नॉलेज ले पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब आप समझ पाएंगे तो फोकस भी करेंगे उसकी हेल्थ पे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की समझ नहीं होती तो हम फोकस भी कहाँ करते हैं उस चीज के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर। तो एक एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसके बारे में जब आप नॉलेज लेंगे तो आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे और उसको अच्छी तरह से बैलेंस भी कर पाएंगे बाकी हार्मोन्स और ऑर्गन्स के साथ। अब देखिए, मेलाटोनिन कहाँ से आता है, कौन सा ग्लैंड है, अब उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने चक्रास की बात की, तो सिक्स चक्रा जो होता है, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, वो वहां पर क्या होता है, जब हम यहाँ पर फोकस करते हैं ना, ये थर्ड आई जहाँ बोलते हैं, इसके पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है पीनियल। पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलेटोनिन न्यूरोकेमिकल या हार्मोन कहते हैं, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से, और पीनियल ग्लैंड से ही सेरोटोनिन भी होता है।
वो भी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो ये सिक्स चक्रा जो है ये यहाँ से हमारा ये रिलीज होता है और ये इसको हमें एक्टिवेटेड कंडीशन में रखना चाहिए। अगर ये इनएक्टिवेटेड रहा तो मेलाटोनिन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इसको एक्टिवेटेड रखने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, आज मैं वो सिखाऊंगा वो क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं और एवरी डे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सोचिए जब एवरी डे एक्टिव करेंगे तो नींद की क्वालिटी कैसी होगी, मतलब कितनी जल्दी नींद आएगी और कितनी गहरी नींद आएगी, क्वालिटी कितनी अच्छी होगी अगर हम ये सीख लेंगे कि उस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करना है। खासकर मैं सोच रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ है अटेंड कर रहे हैं जिनको नींद के इश्यूज हैं उनके मन में हो रहा होगा कि हाँ ये जल्दी से बताएं क्या टेक्निक्स है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, हर इंसान अगर आज ध्यान से समझ ले और सुन ले और इसको करना शुरू कर दे उस सबको वो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो करने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई उसमें गैजेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं, बट वो मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि ये थर्ड आई जो चक्र, थर्ड आई चक्रा जो होता है यहाँ से पीनियल ग्लैंड से ये रिलीज होता है। और आपने देखी हिंदू माइथोलॉजी में अगर आप देखें जहां भी साधु संत देखते हैं तो यहाँ पे चंदन का लेप करते हैं। ने सोचा कभी चंदन का लेप का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है? डेफिनेटली है, ये यहां पर ठंडक प्रदान करता है और इसको एक्टिवेट करता है पीनियल ग्लैंड को, इसीलिए पुराने टाइम से ये प्रथा चली आ रही है। चंदन हो या लेवेंडर हो, इनकी खुशबू से ये एक्टिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ तिलक लगाते हैं, कहीं भी है तिलक लगा देते हैं इस पे। और तो और लेडीज को जो बिंदी लगाने का जो यहाँ पर प्रोविजन, मतलब शुरू से बताया हुआ कि बिंदी यहाँ लगाएं, इस सब इनडायरेक्ट वे में हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे प्रोसीजर थे। तो लॉजिक या रीजनिंग नहीं भी बताई गई थी, बट मैं बता रहा हूँ कि ये पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड ही सारे काम है और ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, आप समझ के देखिए। अब सवाल आता है कि वो तीन तरीके कौन से हैं जिससे हम इसको एक्टिवेट कर सकें और हम अपनी नींद की क्वालिटी को और बेटर कर सकें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन चीजें करने से पहले आपने कुछ और काम करना है। जैसे कहते हैं ना कि पहले से एक बेस तैयार करना है किसी भी चीज के लिए, अपने पौधा भी आपने लगाना है तो आपको पहले ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है पहले। अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो आप जितने मर्जी बीज और खाद डाल लीजिए, वहां पर कोई पौधा नहीं उगता है। तो कैसे पहले हम इस चीज को बनाए? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए जो भी इश्यूज हैं आपके अंदर उनको पहले आपने रिजॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व करना है। यानी कि आपके अंदर किसी से फाइट कर रहे हैं, किसी से आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, बहुत आप थ्रिलर पिक्चर देख रहे हैं, एडवेंचरस मूवीज देख रहे हैं रात को सोने से पहले, तो पहले तो इनका त्याग कर दीजिए अगर आप सच में चाहते हैं, क्योंकि पहले ग्राउंड वर्क तो करना पड़ेगा ना, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ऑलरेडी इतनी जद्दोजहद चल रही है, टेंशन चल रही है और हम लगे भी हुए हैं उसी को देखने में सुनने में, तो फिर वो चीज आप कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस बहुत हो चुकी हो फिर तो दिक्कत नहीं होती, फिर तो जितना भी हो गया आप विद इन मिनट्स अपने आप को उस लेवल पे ले आएंगे, बट अभी तो हमने शुरुआत करनी है। और शुरुआत करने में ही अगर ये सब कुछ रहा वहां पे झगड़े और फसाद और ये सब रहा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस सबको प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले जो भी आपके इश्यूज हैं इनको रिजोल्व कर बहुत अच्छी तरह से, जैसे भी आपको पता हो। हालांकि पिछले हमारे कई सेशन में हमने बताया था कि किस तरह से आप ये रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ एक तरीके हैं जो मैं थोड़े से शब्दों में रिपीट कर देता हूँ जो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। कि आपके मन में कई बार टेंशन होती है यार ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एक तो मैं बताऊं जो इसी प्लेटफॉर्म के हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और डीएसपी, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। बहुत डे टू डे लाइफ में जो डीएसपी है वो डेली का ही प्रोग्रामिंग है, तो डेली आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है, उससे आप इन चीजों को रिजॉल्व इजिली कर सकते हैं। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो बात ही क्या है, उसमें तो एडवांस टेक्निक सीखते हैं। तो बेसिकली ये सब कनेक्टेड है, हेल्थ का भी हम क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ये पहले शुरू कर लिया माइंड से रिलेटेड, तो दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको एक्सीलेंट और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो प्रोग्राम तो हमारे हैं ही है। और उसके अलावा कुछ इश्यूज हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं कि इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा, इसका कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, उसने मुझे ऐसे कहा तो मैं उसको क्या बोलूंगा। जब भी ये चीज हो तो सोने से पहले ना पेपर पे लिख लें,
ये चीजें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, दो चार पांच जो भी चीजें हैं लिख लीजिए, और राइट के कॉलम में लिख लीजिए कि इस चीज के बारे में मैं कब सोचूंगा, कल सोचूंगा, मंडे, ये मैं ट्यूसडे को रिजॉल्व करूंगा, ये वेडनेसडे को इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। जब आपने लिख दिया तो आपने ट्रांसफर कर दिया अपना जो भी था, तो आप काफी हद तक रिलैक्स फील करेंगे। फिर अपना जो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, आप उससे अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो बहुत इफेक्टिव है, मुझे इसने बहुत हेल्प किया, और जितना मैंने लोगों को बताया दे ऑल्सो बिलीव यस कि उनको भी हेल्प मिलेगी, और मिली है, बहुत अच्छी तरह से मिली, उन्होंने बोला। और बाकी फिर डीएसपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सेशन तो है ही है। तो आप ये क्या करते हैं कि एक साइकिल को रिदम में लाने का एक प्रोसेस शुरू कर दिया आपने, वो ग्राउंड वर्क बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने इसको एक्टिवेट करना है नेचुरली, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं कि नींद नहीं आती तो मेडिसिन लेते हैं, कि मेडिसिन उसका काम यही होता है कि किसी तरह से यहाँ पे हार्मोन रिलीज करे, बट आई टेल यू दैट इज इंड्यूस्ड, और उसका क्या नुकसान है मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि जब मैं इसके बेनिफिट बताऊंगा कि नेचुरली जब एक्टिवेट होता है तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं। जब ये अच्छी तरह से यहाँ से न्यूरोकेमिकल निकलता है ना, तो अल्टीमेटली जो आपका सिक्स चक्र, सेवन चक्र है, सेसरार बोलते हैं जिसको, या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, या क्राउन चक्र बोलते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाता है, क्योंकि मैसेज ये जाता है, मैंने पिछले सेशन बताया था एचपीए एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रिनल, तो वो एक्सिस जो होता है ना वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है हमारी फेवर में। काम तो हमेशा करता है, कभी हमारे अगेंस्ट और कभी हमारी फेवर में। तो इसको जैसे ही हम ग्राउंड वर्क ये करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा पिट्यूटरी वाला जो एक्सिस है वो भी बिल्कुल एक रेडी मोड में आ जाता है कि यस इट इज गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर। उसके बाद हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी आएगी आएगी, जैसे मैंने बताया कि सुबह उठते हैं तो फिर कितना ग्लो फेस पे होता है, कितनी शांति महसूस होती है। अब तीन चीजें जो मैंने बताई थी कि वो उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं ग्राउंड वर्क करने के बाद। सबसे रवि, पहले एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भी? जैसे आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो इसमें डाइट का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी हाँ, डाइट का भी बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि हाँ अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि जब भी हमने ये तीन चीजें करनी है, कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हम किस समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो खाने के कम से कम आधे पौने घंटे के बाद ही करें, क्योंकि जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वो भरे पेट में कर भी नहीं पाएंगे। और जितना भी गरिष्ठ भोजन जिसे बोलते हैं ना, तामसी भोजन जिसे बोला जाता है उस लैंग्वेज में, या जो हैवी मसाले फूड है, घी, मसाले घी जिसमें ज्यादा होते हैं। उनको वैसे भी सबको पता है हेल्थ के लिए उनको कम करना ही चाहिए, ठीक है, कभी कभी आपने एंजॉय कर लिया वो भी करें, वो भी तरीका यहाँ पर हेल्थ मास्टरी प्रोग्राम में बताया जाएगा कि उस तरह के खाने को भी क्या हम एंजॉय कर पाएंगे। कई बार हमें लोग पूछते हैं आपसे, जब पर्सनल काउंसलिंग ले रहे हैं, आप डाइट के बारे में बता रहे हैं, तो फिर हम वो सब छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ छोड़ नहीं देंगे, उनको इस तरीके से लेंगे कि वो आपको नुकसान न कर सके। ऑफकोर्स रोज रोज लेना तो खैर किसी को भी पसंद नहीं होता है, बट हाँ जब भी कभी लेंगे आप गिल्ट फ्री होकर उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमने उस तरह के खाने को थोड़ा सा उस समय जरूर अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक गहरी तरह की ना बेहोशी सी लाता है। हम सोचते हैं कि नींद आ गई, बट वो मेलाटोनिन की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है वो खाना। तो इसलिए उस खाने के बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हमें उस तरह के हैवी खाना मतलब कम कर ही देना चाहिए, और खाने से आधा पौना घंटा बाद में ही हम ये तीन चीजें जो है अपना करेंगे। और डेफिनेटली हर इंसान सोने से 1.5 2 2.5 घंटे पहले ही खाता है, कोई खाने के बाद इमीडिएटली सोना तो वैसे भी नुकसान देता है। अब आते हैं जी, वो कौन सी तीन चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी इस तरह के लिए। तो सबसे पहला होता है कि क्लियर द ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग ये क्या चीज हो गई? आप सोचिए, जैसे आजकल सर्दियां हैं नॉर्थ इंडिया में, तो धुंध बहुत होती है। जब धुंध होती है तो आपके गाड़ी के शीशे के ऊपर भी जब धुंध आ जाती है, तो आपको क्या कुछ नजर आता है? बाहर भी धुंध और शीशे के ऊपर भी धुंध, तो कितना मुश्किल होता है ड्राइव करना। तो हमारा काम क्या होता है कि इस फॉग को पहले अपने शीशे के ऊपर से तो क्लियर करें। तो उसके लिए आप डिफॉगर यूज करते हैं, या इंटरनल एसी चला के करते हैं, या हीटर चला के करते हैं, अपना कुछ ना कुछ सबने अपने तरीके बनाए हुए हैं, क्योंकि जब तक वो ही क्लियर नहीं होगा तो आगे की धुंध का तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उस धुंध में भी आपको 50 100 मीटर अगर नजर आ सकता है, तो उसके बाद 100 मीटर चल के आगे और नजर आता है। बट अगर शुरू से ही इतनी फॉग है आपकी स्क्रीन पे, तो आप तो 5 मीटर भी आगे नहीं चल पाएंगे, और कुछ भी हो सकता है फिर उस धुंध में। सबसे पहले हमने ब्रेन की फॉग को क्लियर करना है। वो कैसे क्लियर करेंगे?
जब हम फोकस करते हैं ना इन बिटवीन द आईज, जिसको आई चक्रा बोलते हैं, मतलब फ्रंटल लोब एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो, क्योंकि मैं कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको साइंटिफिक टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीनियल ग्लैंड है इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो जब आपने इसको फोकस किया आपने इसके ऊपर, तो आपके अंदर आपने जनरली महसूस किया होगा कि सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है जब अच्छी तरह से फोकस करते हैं। ये हमारी गोल क्लैरिटी के लिए भी जरूरी होता है, जो गोल से रिलेटेड हम काम करते हैं, कुछ लोगों को होगा कि हमें गोल्स अचीव करने हैं, तो ये क्लैरिटी भी देना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे ही हम इस पर फोकस करते हैं तो ब्रेन फॉग खत्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे शीशे के अंदर फॉग आती है ना गाड़ी में, आपने थोड़ी देर एसी चलाया विंडस्क्रीन पे करके, तो आप देखते हैं कि वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है, सेकंड्स में आप देखते हैं कि वो क्लियर हो गई है। ऐसे ही जब आप पूरी तरह से फोकस करते हैं अपने थर्ड आई चक्रा पे, तो वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतने फसाद हैं, इतने आर्गुमेंट्स आपके अंदर भरे पड़े हैं। आप सोचिए खरपतवार जिसे बोलते हैं, लैंड के ऊपर बहुत सारी वीड्स इकट्ठी हो गई हैं, तो आप कुछ उगाओगे कैसे? तो क्या होता है कि धीरे धीरे आप उसको काटना शुरू कर दिया एक साइड से, वो क्लियर होने लग गई, अब उस जगह पे आप कुछ प्लांट कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको खत्म करते जाना है। ये मत सोचिए कि एक ही बार में ये सब कुछ हो जाएगा, आपको जब लगातार आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो जगह भी क्लीन होती जाएगी। तो उसको जैसे ही वो करते जाएंगे तो नई इम्प्लांटेशन करते जाएंगे, यानी कि न्यू प्रोग्रामिंग आनी शुरू हो जाएगी आपके माइंड में। जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सब ब्रेन फॉग है, जो अपनी लिमिटेड बिलीव्स है, जिसको हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सीखते हैं, ये लिमिटेड बिलीव्स है, ये सब वीड्स है, इनको हमने निकालना है यहाँ से, तभी तो न्यू प्रोग्राम इम्प्लांट कर पाएंगे ना। इनके होते हुए हम कुछ कर ही नहीं सकते, नए बीज डालने का तो फायदा नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम फोकस करते जाएंगे तो वो फॉग जो है वो खत्म होती जाएगी, तो हम न्यू प्रोग्राम्स इम्प्लांट कर सकते हैं फॉर अवर गोल अचीवमेंट ऑल्सो। तो फॉग क्लियर होगी, ये चीजें क्लियर होगी, तो आपका पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेटेड हो जाता है, वीड्स के साथ फिर वो भी नहीं होता है, जब इस तरह के बेकार के विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो भी एक्टिवेट नहीं हो पाता। जब भी देखिए आप नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्गुमेंट हो गया, नींद नहीं आती है, क्यों? ये आपने इकट्ठे कर लिए बहुत सारे, फॉग क्लियर हो गई तो पीनियल ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जैसे ही इसको खत्म करेंगे वो एक्टिवेशन उसका शुरू हो जाएगा। यूजलेस थॉट्स को हटाने में ये एक चीज काम आती है कि यहाँ पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। शुरू में आपको लगेगा कि अभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि भरा पड़ा है ना वो सब, लेकिन आप करते रहिए, तो धीरे धीरे देखेंगे कि हाँ वो छटनी शुरू हो गई। सो सबसे पहली चीज है कि अपने ब्रेन फॉग को आपने क्लियर करना है। दूसरा, कुछ ब्रेथ वर्क करना है सांसों से। सांसों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लोग कहेंगे हाँ सांसों का ही तो है, सांस चल रही है तो जिंदा है, नहीं है तो हम खत्म है। जी हाँ, लेकिन ये जो ब्रीदिंग हम करते हैं इसको भी अगर हम तरीके से कर लें तो हमें कितनी सारी हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिल सकता है, और हमारे पीनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू ब्रेथ्स। जी हाँ, ब्रेथ्स के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज ब्रीदिंग पैटर्न जो होते हैं ना ये बहुत हेल्प करते हैं। कभी देखिए कहते हैं ना, कुछ भी काम शुरू करना है आपने, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करना है, कुछ भी, गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। वो क्यों कहते हैं? नॉर्मली हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो लंग्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है मोर देन 20% वो यूज ही नहीं होता कभी, तो गुब्बारा जैसे पिचका रह जाता है ना, तो उसके बाद वो फटी जाता है। ऐसे लंग्स का नीचे वाला पार्ट यूज ही नहीं होता, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर तक जाती है, तो वो काम करते रहते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि डीप ब्रेथ लीजिए। जैसे ही आप डीप ब्रेथ लेते हैं एक शांति सी आनी शुरू हो जाती है, लगातार 4-5 बार करते हैं यू फील रिलैक्स्ड। वो क्यों रिलैक्स फील करते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर तक जाती है, आपके उन ग्लैंड्स तक मैसेज चला जाता है कि यस अब समथिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट हैपनिंग नॉर्मल, तो वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस ब्रेथ वर्क से जो मैं बताऊंगा इससे क्या होगा, आपका इंडक्शन फील्ड बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा इंप्रूव होता है। और आपने सुना होगा ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो वो बेटर होना शुरू हो जाता है। तो करना कैसे है? जब आपने पहले ब्रेन फॉग को क्लियर करने का प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपने विजुलाइज करना है कि जो स्पाइन है आपकी, जो लोअर पार्ट है, उस स्पाइन के लोअर पार्ट में दो होल है जो हमारे नाक के हैं, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। यानी अब आपने स्पाइन के थ्रू ब्रीदिंग करना है, विजुलाइज करना है कि वो मेरे जो ये नाक के जो छेद है ये स्पाइन के लोएस्ट पार्ट पे वो बने हुए हैं, और वहां से मैं सांस ले रहा हूँ। जो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है तो वो सांस ऊपर चल के आ रहा है, और ये मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी यहाँ पर जैसे बच्चों का आप देखते हैं ना यहाँ गड्ढा सा होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है,
तो वो गड्ढे की भी बड़ी अपनी इंपॉर्टेंस है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, तो वो वहां तक आ रहा है। तो आप फील कीजिए कि जो ब्रेथ मैंने ली है ये आते 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 ये यहां तक आ रही है। आप सडनली फील करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा शांत होने लग गया, कोई डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं एक तो वो चीज, फिर आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं स्पाइन के थ्रू ये सांस ले रहा हूँ, ये करते 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 ये मेरे ऊपर तक आ रही है, और फिर मैं ऐसे ही इसके थ्रू मैं छोड़ भी रहा हूँ, और फिर मैं इसको ले रहा हूँ और फिर इसको छोड़ रहा हूँ। तो ग्रेजुअली आपके माइंड में जो विजुअलाइजेशन है वो इम्प्रिंट हो जाएगी, मेरी सांस स्पाइन के थ्रू आ रही है, स्पाइन आपकी इतनी लंबी नोज बन गई जो आप वहां से सांस ले रहे हैं और फिर उसको छोड़ ले रहे हैं और फिर उसको छोड़ रहे हैं। अब इसको आप मतलब मेरे हिसाब से 30 से 40 बार कर लेंगे, आप बहुत ज्यादा अच्छे ट्रांस में पहुंच जाएंगे। 30 to 40 times सांस तो हम ले ही रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करके इसको ले लेंगे 30 to 40 times, कितनी देर लगेगी, 1 मिनट भी अगर एक सांस में आप लगाया, 30 मिनट, 30 मिनट में आप इतनी शांति हो जाएगी, शुरू की बात कर रहा हूँ, बाद में तो आप 5-7 बार करेंगे तो आप इमीडिएटली ट्रांस में पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाता है ये सब। और इससे क्या होता है, आपका एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं, यानी कि जो कॉर्टिसोल का जो एक्सेस रिलीज है वो बंद हो जाता है। तो आप सोचिए अगर आपने कॉर्टिसोल वाले वो सेशन अटेंड किया है या करेंगे तो ये उससे भी रिलेटेड है, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है ना, थर्ड जो 3 सर्वाइवल चक्र है कि उसके जो टॉप वाला एड्रिनल, ये सब उसी से कनेक्टेड है, वहीं से फिर ये आगे तक जाता है और यहाँ से फिर ये नीचे तक भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो सर्वाइवल चक्र क्यों बोलते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवल के लिए। जो 3 है, सबसे नीचे वाला जो सेक्सुअल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकेंड वाला, और थर्ड जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो साइंटिफिक टर्म्स में आपको चक्रास बता रहा हूं। अब तीसरी चीज क्या करनी है, विच इज वेरी इफेक्टिव, मतलब ये तो ऐसी चीज थी कि जब पहली बार मैंने भी सुना था, मैं भी एक बार ऐसा हो गया था कि यार मुझे आज तक कि किसी ने बताया ही नहीं है और ये इफेक्टिव हो सकता है, तो मैंने इसको रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो इमेंस बेनिफिट्स मिले, क्योंकि ब्रेन फॉग क्लियर करते रहे कुछ टाइम लगा, फिर उसके बाद ब्रेथ वर्क किया, चलो ये भी किया। ये जो था ना, ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा है इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी बुक्स, बहुत बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर थे, उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं, आप देखेंगे आपको मिल जाएंगी। ये इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, पीजो PIEZO, पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। पीजो का मतलब क्या था कि पुश टू स्क्वीज, पुश टू स्क्वीज, जैसे किसी को पुश करते हैं ना, स्क्वीज करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जो हमारे जिससे हम एक्सक्रीशन करते हैं, निकासी जो हमारे हैं, उनको हमें स्क्वीज करना होता है। कैसे, आपने डीप ब्रेथ लिया, आपका पेट बाहर आ गया, जैसे पेट बाहर आया तो हवा अंदर गई है, अब उसी पोजीशन में उसको होल्ड करना है, और जो आपके लोअर ऑर्गन्स हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, आप समझते हैं जिससे हम निष्कासन करते हैं मल मूत्र का, उनको आपने स्क्वीज करना है अंदर, यानी फिर आपने वो पेट अंदर करना है, वो स्क्वीज करना है और उसको होल्ड करना है। कितनी देर मैं अभी बताऊंगा, पहले इसकी फंक्शनिंग समझ लीजिए। जब उसको स्क्वीज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे नर्व्स के अंदर जो फ्लूड होता है, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड बोलते हैं, वो पुश होना शुरू हो जाता है, पुश होके वो आगे ऊपर आना शुरू हो जाता है स्पाइन के थ्रू, और अल्टीमेटली ये हमारे पीनियल को मसाज करता है। ये बहुत रिवीलिंग है ये रिसर्च, पीनियल ग्लैंड को जब मसाज करता है, तो आप सोचिए किसी भी चीज को जब मसाज करते हैं तो वो कितनी रिलैक्स हो जाती है, जब भी आप मसाज करवाते हैं कोई भी उसमें परेशानी होती है, टेंशन होती है, एकदम खत्म हो जाते हैं, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे आपका हेड मसाज हो, एकदम रिलीज रिलीफ फील करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड हमारा जो है उसको मसाज होती है और अल्टीमेटली पिट्यूटरी तक जाता है। तो आपने विजुलाइज भी वही करना है, जब आपने उसको खींचा अंदर और आप सोचिए कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो है ये राइज हो रहा है, करते करते ही पीनियल ग्लैंड को मसाज करते हुए हमारे पिट्यूटरी तक आ गया है, तो सारे चक्रास को इसने एक्टिवेट कर दिया नीचे, जिसको बेस कहते हैं, मूलाधार हिंदी में बोलते हैं, जो सेक्सुअल ग्लैंड से रिलेटेड होता है, उससे होते 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 हमारे ये आगे सारे चक्रास को इसने कवर कर लिया। ये पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बहुत जबरदस्त रिसर्च है, तो ये आपको इतना अच्छा वो देगा रिजल्ट्स। अब सवाल आता है कि ये कब करना है, जैसे मैंने पहले बोला कि खाने के 30 से 40 मिनट के बाद ही शुरू करें, बिकॉज खाना खाने के बाद ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कब करें और कितनी बार करें। देखिए मैंने जब ये सीखा था तो ब्रेथ को होल्ड करना और ये इसको स्क्वीज करके करना,
उन्होंने बोला था कि 30 सेकंड्स तक भी आप कर लेते हैं इसको तो इट्स गुड इनफ, बट कोशिश कीजिए ये पढ़े, तो मेरा ये करते करते 1 मिनट तक हो जाता था, 1 मिनट तक उसको मैं कर पाता था स्क्वीज करके। और फिर जब सांस छोड़े, जब सांस छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसको फिर होल्ड कीजिए अपनी ब्रेथ को, उस समय फिर ये प्रोसेस कीजिए। तो दोनों टाइम, जब सांस लिया तब भी, जब सांस छोड़ा तब भी इसको स्वीज स्वीज करें, और तब उसको मे बी 30 सेकंड तक कर सकते हैं। मतलब अगर 1 मिनट तक आपने उसमें किया, जब सांस लिया जब सांस छोड़ा, तो 30 सेकंड तक कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहली बार में आपका इतना हो जाएगा, हो सकता है शुरू में 30 सेकंड तक, तो आई बिलीव एवरीबडी कैन डू। और जितना भी होता है उससे घबराना नहीं है कि मेरा इतना नहीं हो रहा और फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, करते रहिए, धीरे धीरे आपके वो स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो उसको 30 सेकंड तक करते हैं, तो जब सांस छोड़ा देखिए कब तक आप कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो ये इम्पैक्ट जो आएगा ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, ये जो पीनियल ग्लैंड को जो मसाज करता है, उसके बाद देखिएगा आपको नींद कैसी आएगी, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो जितने भी ये योगीज हैं, ये सभी इन ब्रेन फॉग, ब्रेथ वर्क और ये पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रैक्टिस करते हैं, और इनकी जो क्वालिटी होती है नींद की, आप सोचिए कि 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं ये, और उसके बाद पूरा दिन कितना एक्टिव रहते हैं। और मैं तो पढ़ रहा था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, 3 घंटे या 4 घंटे की नींद लेते हैं रोज। तो मैं पहले सोचता था कि 3-4 घंटे सो के इंसान इतने सारे जो कॉम्प्लिकेटेड काम है देश को संभालने के, आपको पता ही है, वो फिर बाकी के 20-21 घंटे कैसे कर लेते हैं उतने एक्टिव रह के। बिकॉज हम सब जानते हैं वो तो आर्डेंट फैन है योगा के, उनको सारी वो विधियां आती हैं और वो करते हैं, इसी तरह की वो प्रैक्टिस करते हैं। ये इसको योगिक निद्रा बोलते हैं। तो ये योगिक निद्रा जब लेते हैं तो इसकी जो क्वालिटी होती है, अगर आप 3 से 4 घंटे सोए तो इट्स इक्वल टू 6 to 8 hours ऑफ अ नॉर्मल स्लीप, वो क्वालिटी होती है। तो इसीलिए वो इतने फ्रेश नजर आते हैं, जो सारे काम वो इतने अच्छी तरह से और एक बैलेंस्ड माइंड से कर सकते हैं, बिकॉज माइंड भी फिर बैलेंस रहता है क्योंकि आपके सारे सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये आप करिए, और फिर मैं कहूंगा कि आप मतलब किस तरह से आपको एग्जांपल से समझाऊं कि थोड़े दिन किसी ने किया और कुछ होता नहीं है या होता नहीं है फिर वो छोड़ देते हैं, ये काम नहीं करना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर मैं रिलेट करूंगा आपको इस चीज से। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो बाई चांस मुझे कल ही पढ़ने को मिली, तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कि एक साधु था, वो किसी नई जगह पे गया था, उसको ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी, उसने वहां कुछ दिन ठहरना था पर उसको जगह नहीं मिली। तो एक इंसान उसको मिला और वो चोर था, जैसे महारथी होते हैं चोर। उसने कहा कि ठीक है महाराज, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही, आप मेरे साथ रह सकते हो, मेरे जो भी जगह है रहने की, बट मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप साधु हो, कि मैं एक चोर हूं और मैं तो चोरी करता हूं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रहती कि चोर के साथ रहने में, तो आप देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप साधु हो, क्योंकि मैं तो पक्का चोर हूँ, मैं तो उससे जाऊंगा नहीं, तो पक्का चोर हूँ, मैं करता रहूंगा। आप देखिए अगर आप कच्चे साधु हैं तो आप मत रहिए, अगर आपको लगता है आप पक्के साधु हो तो आप रह लीजिए। अब उनके पास चारा नहीं था, उन्होंने कहा चलो मैं रहता हूँ, तो ये अगर पक्का चोर है तो मैं भी तो पक्का साधु हूँ, एक आ जाते हैं ना मन में, मैं भी तो पक्का साधु हूँ। अब वो देखते चोर रोज जाता है कि आज ना मैंने वहां पे चोरी करना है, उसका प्रोसेस सीखना है और वहां पर चोरी कराऊंगा महल में, राजा के दरबार में। वो अपना बिल्कुल जाता था, और जब वो वापस आता था तो साधु जी पूछते थे कि क्या लाए, क्या चोरी की, बोले नहीं नहीं अभी तो मैं सफल नहीं हुआ हूँ, अभी मैं और सीखूंगा, चोरी तो मैं करूंगा, लेकिन वो एक्साइटेड तब भी रहता था। अगले दिन फिर वो ये कहता कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ और आज तो मैं करके आऊंगा, और अगले दिन फिर वो वापस आ गया। बहुत सारे 15-20 दिन बीत गए, तो साधु ने देखा कि चोरी तो अभी तक कर नहीं पाया, लेकिन एक्साइटमेंट इसकी वैसी है, आंखों की चमक भी वैसी है, रोज उसी तरह से जाता है कि नहीं आज तो मैं सीख के आ जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। उसके बाद साधु जी वहां से विदा होते हैं, वो अपनी तपस्या करते हैं कि मुझे परमात्मा मिलेगा, बट कुछ दिन होते हैं तो कुछ होता नहीं, तो उनके मन में आता है कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो हो तो रहा नहीं है, तो पता नहीं क्या है, मैं करूँ नहीं करूँ। फिर उनको याद आया कि यार वो मेरे से तो अच्छा वो चोर था, वो जो भी काम कर रहा था कम से कम एक निष्ठा के साथ, डिसिप्लिन के साथ और एक्साइटमेंट के साथ तो कर रहा था, और वो सफल हो भी गया होगा अब तक, और मैं जो है इतनी अच्छी चीज कर रहा हूँ और मैं यहीं पर डामाडोल हो रहा हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। So, मैं कहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया हुआ, जिसमें हम आपको बोलते हैं मैजिशियन। क्यों बोलते हैं मैजिशियन, लोगों को पता लगी होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो चीजें हैं ना वो शुरू में मैजिकल लगती हैं, बट वो कहते हैं टुडेज मैजिक इज टुमारोज साइंस, यानी कल का वो विज्ञान बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, इसलिए मैजिशियन बोलते हैं। तो आप कच्चे मैजिशियन है या पक्के मैजिशियन है पहले डिसाइड कर लीजिए। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर, एक दिन दो दिन में सोचेंगे ये सब हो जाएगा तो इट विल टेक टाइम, हो सकता है कुछ लोगों का जल्दी भी हो जाए,
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ टाइम भी लग सकता है, हर एक का अपना अपना हिसाब है, बट करते रहेंगे बिकॉज दीज आर प्रूवन टेक्निक्स जो इतने सदियों से आज हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स में, तो शायद हमें लगे कि ये ऐसे है। और मैं आपको बताऊं, जब चीज कोई वर्ड्स में डिस्क्राइब की जाती है ना, बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस कम भी हो जाती है। जो आप फील करते हो ना, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है, बट क्योंकि मीडियम यही है कम्युनिकेशन का, है कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज थ्रू ये हमें करना पड़ता है। बट आप समझ के चलिए कि जो बताया जा रहा है इससे 100 गुना इसका इम्पैक्ट है, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये तो वो प्रूवन चीजें हैं जो लोगों ने सदियों से इसको यूज किया है और इसका बेनिफिट ले ही रहे हैं। तो आप भी इसको जब रेगुलर करते रहेंगे तो आपको अपने मतलब का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा ना, ये तो पक्का है। बट ये है कि कीप डूइंग इट। और उसके बाद और इस तरह के बारे में आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा हेल्थ मास्टरी का कोर्स शुरू होने वाला है 26 जनवरी को, जिसकी ओरियंटेशन है, रिमार्केबल प्रोग्राम होगा। आपको इस तरह की नॉलेज, आपको ऑर्गन्स के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनको रिवर्स कर सकते हैं, इसी तरह की सिंपल टेक्निक से आपको बताया जाएगा, जिससे आपकी डिपेंडेंसी मेडिसिन पे कम से कम होती जाए और आप बेटर से बेटर हेल्थ एंजॉय करते रहें। और मैं आपको बताऊं कि वो कोर्स आपको इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में मिलने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो कोई हर्डल रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरे साथ जो पर्सनल 1-to-1 सेशन काउंसलिंग के करते हैं तो काफी अच्छे उनको चार्जेस देने होते हैं। बट ये हमने एक इसलिए रखा है कि हमारा पर्पज है लोगों को एजुकेट करना, नॉलेज देना, बिकॉज नॉलेज की कमी से वो इन चीजों से महरूम ना रह जाए, इसलिए हमने इतना कम रखा है। वो भी आपको रिवील करेंगे, बट उस प्रोग्राम में आपको इस तरह की और भी ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज मिलेगी और कैसे आप उनको बैलेंस में ला सकते हो सिंपल वे में, वो भी आपको जानने को मिलेगा। So I believe, Sunil ji, if you have some questions. Yes, Ravi ji, कुछ questions आए हैं. Let me just come on spotlight with you. तो एक जो question आया है कि जो आपने exercise बताई है, क्या high BP वाले कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं राधा, उनके तो बीपी में हेल्प मिलेगी। आप देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डीप ब्रीदिंग ही तो कर रहे हैं, उसके बाद स्क्वीज कर रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, जो पीनियल ग्लैंड को हमारे मसाज करेगा, तो क्या होगा, मेलाटोनिन रिलीज होगा, आप आराम से सोएंगे। बीपी का पोर्शन अगर बिना दवाई के आराम से सो जाए तो आप सोचिए बीपी तो कितनी अच्छी तरह से नॉर्मलाइज हो सकता है। प्लस उसके साथ साथ जो भी आपको और चीजें बताई जाएंगी, अगर आप हेल्थ मास्टरी के प्रोग्राम से थ्रू कनेक्ट होते हैं तो आपके बीपी की प्रॉब्लम तो अब सुनील जी की 20 साल पुरानी जब मेडिसिन खत्म हो गई है, तो अभी तो ये एक्सरसाइज इन्होंने करनी है, करनी है। और कर लेंगे, आप सोचिए कितना अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली कर सकते। देखिए जी, मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से कहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, मतलब कैंसर तक शरीर हमारा फाइट कर सकता है, प्रोवाइडेड हम उस सिस्टम को जाने और उसको सपोर्ट दें ताकि वो ढंग से काम कर पाए। एम आई राइट रवि जी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिक जो मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मोस्ट ऑफ यू नो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने तो रो पिट के साइंस पे 35% से पास किया था, तो मुझे तो साइंस का मतलब कख नहीं पता था, पंजाबी में कख नहीं पता, इतना डर लगता था। हम सिर्फ डॉक्टरों पे डिपेंडेंट थे और डॉक्टर यूज्ड टू बी गॉड फॉर अस, यस दे आर रिस्पेक्टेबल, बट हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते थे। जब से हम इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, जो एजुकेशन मिली है, तो टुडे आई एम, आज मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ काउंसलिंग दे के। बताइए, आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नाउ एंड आई हैव कॉन्फिडेंस इन हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल इन रिवर्सिंग देयर वेट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। कैसे हुआ है? नॉलेज, नॉलेज, एजुकेशन, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। तो आज ये जो हम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, मतलब अगर आपका 1% भी आपको लगता है हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो वैसा रविजन का एनर्जी एक्सचेंज हम, मतलब जो भी चार्ज आपको पे करना है, वो इतना कम रखा है कि पैसे के बारे में ना सोचना पड़े आपको, क्या पैसा लग रहा है इसलिए मैं नॉलेज नहीं लूंगा ना। हाँ, आपको लग रहा है कि यू नो इट ऑल, आपको जरूरत ही नहीं है, देन इट इज ओके। अगर आपको लग रहा है आपको जरूरत ही नहीं है तो ओके है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, अगर मेरा वैल्यूडेशन हो सकता, जो आई पर्सनली बिलीव, चलिए आप में से कितने लोगों ने आज एक्चुअली, मैं जो वाला आज यहाँ पे अराउंड जितने भी लोग हैं, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स वाई, अगर आज आपका वैल्यूडेशन हुआ है तो जस्ट टाइप येस का वाई डाल दीजिए, कि अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ नया जानने को मिला है जो रवि जी ने बताया, नींद के बारे में बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी कितने लोगों को लग रहा है यस। तो आप सोचिए कि आज ये तो अभी मतलब फ्री की इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
so called, right? Although Ravi ji has put in lot of effort to prepare even this free session also, अगर आप थोड़ा सा पैसा देंगे तो उसके बाद क्या लगता है वर्थ और ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी आपको, सोचिए आप। इट इज योर पर्सनल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं रवि जी, मैं बीच में आपसे बात करूंगा अभी। जो हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन से पूरी फैमिली उसका बेनिफिट ले सकती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आज हमारे सेशन के अंदर पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया हैव ज्वाइंड, जो क्या पहले फिजिबल होता था, हम इकट्ठे होते थे, हॉल लेते थे, दिल्ली एनसीआर के लोग ही आ पाते थे मुश्किल से। लेकिन थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी की आज ये एजुकेशन हम सब लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में और बताने से पहले दो तीन क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक स्नोरिंग इशू किसी ने लिखा है कि क्या इससे स्नोरिंग इशू में बेनिफिट मिल सकता है या ये अलग नहीं, टॉपिक है? मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ स्नोरिंग के जो रीजंस है वो भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और जैसे हमारा प्रोग्राम है सेलुलर हेल्थ वाला प्रोग्राम, जी उसको भी हम ये फॉलो करेंगे। बिकॉज देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, जो अभी बताया है, ये अल्टीमेटली हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के एक प्रोसीजर है। हार्मोन्स जब बैलेंस में होते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप बहुत सारी चीजों को ठीक करना शुरू कर देती है। ये बॉडी अपने आप ठीक करती है, मतलब हमें ये नहीं कि ये इससे ये होगा। ये जो आजकल का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, इसमें होता है कि सर दर्द है तो ये दवाई ले लो, पैरों में दर्द है तो ये दवाई ले लो, पेट में दर्द है तो ये ले लो। इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट साइंस। बॉडी रिडक्शनिस्ट साइंस में नहीं चलती है। बॉडी इज ए कंप्लीट वन यूनिट। एक चीज खराब है तो दूसरे पर भी इम्पैक्ट आता है, वो हमें अपेरेंट रीजन नजर आई या ना आए। जैसे हमने बात की मेलाटोनिन की, अब मेलाटोनिन से बंदा सोचे कि इससे उसका क्या रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो इतने आ गए हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है तो मेलाटोनिन से क्या होगा। ये कनेक्टेड है सारे, क्योंकि चक्रास भी तो कनेक्टेड है ना आपस में। एक डिसबैलेंस होगा तो बाकी के चक्रास पर भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी फंक्शनिंग पर भी आएगा। तो इसलिए अगर स्नोरिंग है, क्योंकि स्लीप रिलेटेड इश्यू है, तो डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। प्लस बाकी की चीजें भी जो यहाँ बताई जाए उसको भी आप फॉलो करो, बिकॉज आपको तो सोल्यूशन चाहिए ना। सोल्यूशन हमेशा, कभी भी आप सोचे कि बीमारी एक कारण से नहीं होती, मल्टीपल रीजंस होते हैं। ऐसे ही जो आपको रिलीफ मिलेगा, उसके छुटकारा मिलेगा, वो भी एक चीज से नहीं, मल्टीपल चीजों से मिलता है। तो उनको कंबाइन करके जब चलेंगे तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ, आप एक स्नोरिंग के लिए सोचेंगे कि मैं ये प्रोग्राम शुरू करूं और ये फॉलो करूं, कई एसोसिएटेड प्रॉब्लम होगी जो आपने मान लिया होगा कि हाँ ये तो मेरी लाइफ का पार्ट ही है, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब कई लोग कई चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है कि यार मुझे ये खारिश होती है या थोड़ा सा ये दर्द होता है, ये होता है, और वो किसी और चीज के लिए करते हैं तो सडनली फील करते हैं कि अरे यार ये भी ठीक हो गया मेरा, ये कैसे हो गया, क्योंकि वो सब एसोसिएटेड है। तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कीजिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। स्नोरिंग को हिंदी में खर्राटे भी बोलते हैं ना, और खर्राटे लेने वाले को तो पता नहीं, जो बेचारा साथ में सो रहा था उसको बड़ी परेशानी। और आपने बिल्कुल ठीक बोला सर, कॉन्स्टिपेशन। कई बार हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ते हैं और आपको 3 2 3 घंटे ही नहीं होते, तो पेट ही साफ नहीं होता सर, प्रेशर ही नहीं बनता, क्योंकि तो पूरे बॉडी का सिस्टम काम ही नहीं किया, पूरी नींद जो ये बॉडी को अपने सिस्टम के लिए। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन लोगों की कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एंड आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये एक टेस्टिमोनियल है गीता जी का, जिन्होंने हमारा एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है। एक ये कहाँ गया, शेयर कंप्यूटर साउंड। आप बताइएगा ये आवाज आ रही आप है अनम्यूट क्लियर? करें प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड एंड हैप्पी न्यू ईयर मॉर्निंग एवरीवन। जी, हैप्पी सुनील जी, मैं अभी पीछे 3 महीने से आपके ये कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, और न्यू मुझे ईयर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो ये कि अब मैं रात को सो जाती हूँ। जो पिछले मैं 4 से 5 साल से मुझे नींद नहीं आती थी रात जी। ओह को। माय गॉड, हाँ अच्छा जी, और उसके लिए मैंने काफी, मतलब मैं रात को कोई भी क्लास ज्वाइन की, बहुत सारे कि भाई मेडिटेशन स्टार्ट किया, पर मुझे उससे बेनिफिट नहीं हो रहा था। पर ये जो अचीवमेंट अब मुझे मिली है ना,
और अब ऐसा होता है कि इवन आपकी क्लास चल रही है पर मुझे नींद आ रही होती है क्योंकि मेरा टाइम मैंने 10:30 बजे तक किया हुआ है कि मुझे 10:30 बजे सोना है. और यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अब सो जाता हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपने एनर्जी कितनी क्लीन कर लिया, अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस. लेट अस ऑल कांग्रेचुलेट गीता जी. कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ पावरफुल एंड एडवांस्ड मैजिशियन. कांग्रेचुलेशंस. ये देखा आपने रवि जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुबह सुबह मेरा मैसेज आया. नितिन बिंदले, शी इज ऑल्सो पार्ट, अभी वो अटेंड कर रहे हैं. ये पढ़ा जा रहा है आपको मैसेज? जी बिल्कुल बिल्कुल. आफ्टर अटेंडिंग ऑल योर सेशंस आई एम मेंटली सो मच रिलैक्स दैट नाउ आई एम हैविंग अ गुड स्लीप ऑफ 8 hours विच आई एम नॉट हैविंग फ्रॉम लास्ट 5 years. पांच साल से वो नींद का इशू फेस कर रहे थे एंड उनको भी ज्वाइन किए हुए आई थिंक 2-3 महीने ही होंगे हमारे प्रोग्राम्स को. तो ये बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं तो ये कम्युनिटी का बड़ा जरूरी है. एक अकेला इंसान यूट्यूब से देख देख के अगर हो जाता था फिर तो सारे डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाए फिर तो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के. एक जब तक प्रॉपर कोचिंग एक एनवायरनमेंट के साथ जब आप सीखते हैं तो इट मेक्स हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, ट्रस्ट मी. तो अब एनर्जी एक्सचेंज क्या रखा है, कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं भी एनर्जी एक्सचेंज कितना है, सीक्रेट को रिवील कर दो. एनर्जी एक्सचेंज बहुत सिंपल है. इससे पहले मैं आपको ना रेजर पे एक इसका लिंक शेयर कर देता हूँ जो लोग अभी इंटरेस्टेड हैं. बिकॉज एक सेकंड रुकिएगा बस. जी ये लिंक पहुंचा आपके पास? जी जी पहुंच आ गया. देखिए एनर्जी एक्सचेंज जैसा हमने बताया कि हमने डेलिब्रेटली इतना कम रखा है कि पैसे के लिए ना सोचना पड़े. चलिए आप में से कुछ लोग मुझे चैट में बताएं, आजकल अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो कितने का सगन डाल के आते हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, है ना. कुछ टाइप करके बताएं कि शादी में जाते हैं वो कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है क्योंकि अगला कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा भी दे गया है और उसके साथ 2100 रुपये. ओके एवरेज इतना सगन बंदा डाल ही देता है. तो उसमें क्या होता है, अभी हम वहां जाते हैं और आप पहले बड़ा क्रेज होता है शादी में जाएंगे खा के आएंगे. आजकल वो क्रेज भी आई थिंक खत्म सा होता जा रहा है और वहां जाके बंदा खा के भी नहीं आता, बाद में याद करता है खाना बड़ा अच्छा था ये दिखाया दिखाया. जस्ट जोकिंग. हमने बहुत डेलिब्रेशन करने के बाद इसका प्राइस जो है वो 3100 रुपीज रखा है, 3100 रुपये. लेकिन अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो फॉर फर्स्ट 100 पीपल, जिसमें से काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हमने इसको सब्सिडाइज रेट पे 2100 रुपये का सगन रखा है. जस्ट 2100 रुपीज. 2100 रुपये दे के आपको इस प्रोग्राम का पैम्फलेट, अभी हम सेशन के बाद आपको अगर चाहिए कि क्या डिटेल्स हैं प्रोग्राम की तो वो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, राइट. और ये देखिए ये स्क्रीन पे आपको डिटेल नजर आ रही है, नंबर आप नोट कर लीजिए. दिस इज माय पर्सनल नंबर 9958777295. ये हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पे आप थोड़ा सा और इसके बारे में देख सकते हैं. तो हम आपको एक पैम्फलेट भेजेंगे जिसमें इस प्रोग्राम के बारे में बेसिक डिटेल्स हम आपको देंगे. ये प्रोग्राम हम लोग 26 जनवरी को उसका लॉन्च कर रहे हैं, दोपहर को यही 12 से 1 का टाइम रहेगा. और फर्स्ट सेशन टेंटेटिवली 5 एवरी संडे होगा. फर्स्ट सेशन टेंटेटिवली इज ऑन 5th of February. टेंटेटिव मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ हम लोग अभी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके लिए. तो एवरी संडे 12 से 1 15 सेशंस मिलेंगे आपको. 15 एनीबडी कैन डिवाइड 2100 डिवाइडेड बाई 15, तो कितने रुपए की क्लास बैठी है आपकी? कोई चैट बॉक्स पर टाइप करके बता सकता है मुझे? मैं ही करता हूँ, चलिए मैंने किया ही नहीं. बैठ अभी बात करते करते आ रहा है मेरे मन में. 140 रुपये. 140 रुपये की एक क्लास आज जो सेशन आपने अटेंड किया, अगर इसके लिए आपको 140 रुपये देने पड़ते क्या वर्थ थी वो 140 रुपये देने की? टाइप बाई इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है एवरेज कि हाँ यार इतनी नॉलेज मिली लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में. उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी. की रिकॉर्डिंग जो भी सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग, एक हमारा एक मोबाइल ऐप है कजाबी के साथ हमने टाइप किया हुआ है, उस पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे. आप जब चाहें देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, फैमिली वालों को दिखा सकते हैं.
हमारा एम इज एजुकेशन को स्प्रेड करना है, राइट right? आप उससे बार बार पूरी फैमिली को एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, बाई चांस आप उस संडे को नहीं आ पाए, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यू विल नॉट मिस द कंटेंट। बट जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों की नीड स्ट्रांग होती है और जिनकी स्ट्रांग नहीं होती, क्या फर्क होता है दोनों में? एक विश होती है और एक नीड होती है। पानी नीड है, जूस विश है, राइट right? विश का मतलब वॉन्ट कहते हैं, विश नेगेटिव हिंदी में जा रहा है। वॉन्ट और नीड का फर्क क्या है? पानी नीड है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, जूस वॉन्ट है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं फर्क पड़ता। तो क्या हेल्थ आपके लिए नीड है या वॉन्ट है? कैसे पता लगता है कि ये चीज आपकी नीड है, आपकी वॉन्ट है? अगर हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि उस पर टाइम लगा रहे हैं, TMFS सिखाते हैं हम, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा एक सेशन है, टाइम मनी फोकस एंड स्पेस, ये चार चीजें अगर आप किसी भी चीज को दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी वैल्यू करते हैं। अगर आपके पास इसके लिए टाइम ही नहीं है, आप उस पर मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप फोकस नहीं है उस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए वो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। और जो चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है वो कभी भी आपको आएगी नहीं, याद रखिएगा, ये रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। द थिंग यू वैल्यू मोर यू अट्रैक्ट। अगर आप हेल्थ को वैल्यू देंगे तो आप और हेल्थ देंगे। लाइक आई एम लाइव एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 56 I am enjoying cellular age of 41 years. और हमारे से पूछा, सुबह किसी का फोन आया, हाउ आर यू, हमारी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, हमारी जो कम्युनिटी हम एक चीज यूज करते हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं सब एग्री करेंगे, हम रोज ये कहते हैं, आई एम ग्रोइंग यंगर, हेल्थियर, रिचर एंड हैप्पियर एवरी डे। हाउ विल यू फील अगर आप इस तरह ही कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर रोज ये अफर्मेशन बनाए और आपकी सेकेंड नेचर बन जाए, आपसे पूछा, हाउ आर यू, आई एम ग्रोइंग यंगर, हेल्थियर, रिचर एंड हैप्पियर एवरी डे, समझ लोगे ये क्या बोल गया भाई? यस, एवरी डे हम लोग यंग होते जा रहे हैं। आप मैं 100 sit-ups रोज निकाल लेता हूँ अभी, आप चलो आपके सामने खिलवाता हूँ, कैन यू इमेजिन? बिकॉज मेंटली मैं इतना यंग होता जा रहा हूँ, फिजिकली मैं इतना यंग होता जा रहा हूँ। हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ जो मेंटल बेनिफिट है उसका कोई मुकाबला नहीं, बिकॉज माइंड से ही सारी हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो ये प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी नीड है तो फर्क क्या है, आप एक्शन फास्ट लेंगे। अगर आप उसको सोचेंगे, चल मैं देखता हूँ, पहले और देख लेता हूँ, पहले और समझ लेता हूँ, इसमें वो नीड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब नहीं हो और जॉब चाहिए हो, तो वो क्वेश्चन पूछता है कभी नौकरी से, कितने दिन आना पड़ेगा, कब आना पड़ेगा? ओके सर, नौकरी दे दो, तनख्वाह दोगे ना, काम जो मर्जी करा लो, लीगल काम होना चाहिए। उसकी नीड अगर ज्यादा स्ट्रांग होगी वो ज्यादा एनालिसिस नहीं करता, एनालिसिस से पैरालिसिस हो जाता। तो अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं, इसका मतलब हेल्थ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। एंड हमें कोई इसमें आपसे शिकायत नहीं है, आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपके शरीर है, आपकी हेल्थ है। आप अगर किसी चीज के लिए आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है वैल्यू है, टेक फास्ट डिसीजन। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, हमारे इस कम्युनिटी का सबसे पहला मंत्र है कि जो भी एनर्जी एक्सचेंज आप देंगे, एटलीस्ट 10 times आपको उससे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, मिनिमम 10 times वैल्यू ज्यादा मिलेगी। दैट इज आवर प्रॉमिस टू यू, बिकॉज अभी तो बड़े सारे प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर हम आपको वैल्यू नहीं देंगे तो आप वो प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करोगे? ये सुन लो, इसके बाद रिलेशनशिप मास्टरी के ऊपर बहुत अच्छा हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम एक कैप्सूल मास्टर क्लास लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत कंटेंट है, वेल्थ मास्टरी के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट है कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसीज हैं जो उनको रोक रही हैं, बहुत कंटेंट है। अगर आप एक बारी कम्युनिटी में आएंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ विजडम, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो रवि जी, चलते चलते बस 2-4 क्वेश्चन सिर्फ जो यहाँ पर आए हैं यहाँ पर, कि जो डाइट के थ्रू कौन सा पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिशन है जो हमारे इस मेलाटोनिन को रिलीज करने में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन पर्टिकुलर नहीं होता, वो हमें देखना होता है केस टू केस, जैसा भी उनकी होती कंडीशन, वो 1-to-1 का एक होगा, क्योंकि जनरलाइज हम नहीं करते हैं, किस चीज की डेफिशिएंसी है, बिकॉज किसी भी चीज की डेफिशिएंसी से यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, तो जनरलाइज भी हो सकता है, बट डेफिनेटली 1-to-1 में जब बात करेंगे तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, एज यू राइटली सेड, भी एक बीमारी का एक रीजन नहीं है तो सोल्यूशन भी एक नहीं हो सकता है, तो सब चीजें मिलकर इसके ऊपर काम करती है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम विद ऑल ऑफ अस, एंड आई कैन प्रॉमिस एवरीवन मस्ट हैव गेन लॉट ऑफ नॉलेज
मुझे तो सबसे अच्छा जो लगा है डोज वर्ड अच्छा लगा कि ये दवाई की डोज अब याद रहेगी क्या लेना है, डोपामिन ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे सेशन। नेक्स्ट संडे हमारा एक शायद माइंड पावर के ऊपर हम सेशन करेंगे, और बिकॉज ऑल्टरनेट हम करते हैं हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल, फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ, ताकि बैलेंस हम मेंटेन कर सकें। आज के सेशन का आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो प्लीज जो मैंने नंबर आपको दिखाया है चलते चलते मैं एक बार और डिस्प्ले कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आप इस नंबर पे हमें चैट पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको इसका लिंक भेज देंगे, और इसका जो फ्लायर है कुछ वो डिटेल अगर आपको चाहिए तो वो डिटेल्स भी भेज देंगे, और कोई क्वेश्चन आपके हो तो आप इस पे हमसे पूछ सकते हैं। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन हेल्थ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रवि जी वंस अगेन। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर संडे। थैंक यू, बाय।